हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो मैं आप लोग के लिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और कम समय में और कम प्रोडक्ट के साथ मेकअप करना बताऊंगी आज मैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। आप लोग देखिए मेरा ब्लाउज़ का बाजू का डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था मैंने ये ब्लाउज़ पहना था। तो आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कीजिए, मेरे आई बटन पर मैं दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए मेकअप का स्टार्ट, कोई भी मेकअप हम नॉर्मल मेकअप करते हैं तो हमें स्टार्ट करना चाहिए, पहले तो हमें कोई प्राइमर लगाना चाहिए, लेकिन मेरे पास प्राइमर नहीं है तो मैं यहाँ पे एलोवेरा लगा के आप लोग को दिखा रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे एलोवेरा थोड़ा सा लगा लूँगी, देख लीजिए मैं थोड़ा सा बस ली थी, और पूरे फेस पर लगा अच्छे से लगा के मिला लेना है। तो और आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। और लास्ट में प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा अच्छा मतलब डिज़ाइन भी लेकर आती हूँ ब्लाउज़ का और ड्रेस और कुछ भी आप लोग सिलना चाहते हैं तो उसका कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आप लोग के लिए लेकर आ जाऊँगी उसका वीडियो। और फिर देखिए आप सब, तो आप सब देख सकते हैं मैंने प्राइमर नहीं एलोवेरा जेल अच्छे से लगा लिया है अपने फेस पे। अब मैं यहाँ पे लैक्मी का सीसी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है दोस्तों अपने चेहरे पे। मतलब फटाफट हमें मेकअप करना हो तो ये आप अपने मेकअप किट में ज़रूर रखिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा लेके और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। गर्दन पे कभी भी भूलिएगा मत अप्लाई करना, क्योंकि गर्दन पे अप्लाई करने से हमारा मतलब फेस और गर्दन इक्वल दिखता है, बराबर दिखता है। नहीं तो अगर फेस पे हम अप्लाई करते हैं और गर्दन पे छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा गर्दन अलग और फेस अलग दिखता है। इसके लिए हमें पूरे फेस पे और गर्दन पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने मतलब फेस पे और गर्दन पे अच्छे से लगा के मिला लिया है, फिर मेरा फेस आप देख सकते हैं कितना ग्लो दिख रहा है फेस पे। तो ये लैक्मी का सीसी क्रीम बहुत ही अच्छा होता है, मैंने बहुत से वीडियो में आप लोग को यूज़ करने को बताया है। तो ये हमारा कम प्रोडक्ट और जल्दी मेकअप करना है तो इसके लिए आप जल्दी मेकअप करना चाहते हैं, फटाफट तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए या घर पे ही कुछ करना है आपको जल्दी से, तो आप ये मेकअप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो। तो आप देख सकते हैं बस मेरा हो गया सीसी क्रीम लगा करके। अब मैं यहाँ पे अपना छोटा सा कंसीलर ली हूँ जिससे मेरे आँखें थोड़े डार्क सर्कल हो गए हैं, तो मैं अपने आँखों पे अच्छे से लगा लूँगी। और देखिए दोस्तों मैं ये पूरा मेकअप फिंगर की मदद से ही करने वाली हूँ, कोई भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो मैंने बहुत से वीडियो में ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करके वीडियो किया हुआ है। तो अगर आप लोग बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा मेकअप करना चाहते हैं, बहुत ही ब्राइडल मेकअप करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मेरा आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पर दे दूँगी या लास्ट स्क्रीन में देख लीजिएगा मेरा आ जाएगा वीडियो। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने फिंगर से अपना कंसीलर अच्छे से मिला लूँगी। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपका मतलब थोड़ा ब्लैक है, अच्छे से चेहरा इक्वल नहीं दिख रहा है, तो आप वहाँ वहाँ लगा करके अच्छे से मिला सकते हैं, अपना फेस पूरा बराबर कर सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा मतलब फेस पे ब्लैक है और ये मेरा डार्क सर्कल भी बहुत है, तो मैं वहाँ पे लगा ली हूँ और अच्छे से मिला लूँगी। तो आप भी ऐसा सेम कीजिए, फिर देखिए आपका चेहरा कैसे खिलकर उठता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं अपना ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी थोड़ा सा, ज़्यादा करके हमें नहीं लगाना है क्योंकि ज़्यादा हमें मेकअप यहाँ पर करना नहीं है, हल्का फुल्का मैं आप लोग को मेकअप कभी भी बताती हूँ। तो आप मेरे कोई भी वीडियो में देखेंगे कि मैं कोई भी हार्ड मतलब वर्क आप लोग को नहीं दिखाती हूँ, ब्लाउज का डिज़ाइन हो या कुछ भी हो या मेकअप से रिलेटेड हो, तो मैं कोई भी सिंपल से तरीके से आप लोग को बताती हूँ कि ज़्यादा कुछ मेहनत ना करना पड़े और आराम से हम लोग का काम भी बन जाए। तो आप देख सकते हैं मैं आप कॉम्पैक्ट लगा के अच्छे से अपने फेस को बराबर कर लूँगी, क्योंकि मतलब हम कुछ भी लगाते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा करके और अपने फेस को इक्वल बराबर कर लेते हैं। तो कॉम्पैक्ट पाउडर से हमारा फेस मेकअप बेस भी बराबर हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बनाने के लिए ज़रूरी होता है हमें कॉम्पैक्ट लगाना। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ अब नहीं अप्लाई करूँगी फेस पे, बस हमारा मेकअप रेडी है। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस पहले से कितना बेहतर दिख रहा है, बस ये शॉर्टकट मेकअप और लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा कम समय में लगने वाला और कम प्रोडक्ट के साथ मेकअप हमारा ये तैयार होगा।
तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ही कोशिश करती हूँ अच्छा वीडियो बनाने की, और जितना हो सकता है मुझसे मैं मतलब करती भी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, अब मैं अपने आँखों पर थोड़ा बहुत मेकअप करूँगी, क्योंकि मैं ब्रश से कुछ करने वाली नहीं हूँ, तो बिना ब्रश का मेकअप आज आप लोग मेरे वीडियो में देखेंगे। अब मैं अपने आँखों पे बस क्या करूँगी, अपने साड़ी के मैच से हल्का सा शेडो लगाऊँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना ले लिया है, और ये मेरा बहुत ही पुराना है दोस्तों, 5-6 महीना हो गया मुझे ये मतलब यूज़ करते हुए। मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं न्यू लूँगी, और नहीं तो मेरा वीडियो, अगर मैं ज़्यादा मेकअप का वीडियो बनाती नहीं हूँ, अगर मैं ज़्यादा मेकअप का वीडियो बनाऊँ तो मैं और भी लूँगी, लेकिन अभी मेरे पास शायद 2 से 3 होगा आई शेडो, लेकिन मैं ज़्यादा यही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तैयार हो रही थी, मुझे जाना था कहीं मतलब बाहर, तो मैं हल्का ही मेकअप बाहर जाने के लिए करती हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करती, अच्छा नहीं दिखता है दोस्तों, क्योंकि शादी में जाना होता है या कोई पार्टी में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मेकअप करना चाहिए। और यहाँ पे मुझे कहीं जाना नहीं था, बस घूमने जाना था, तो घूमने में ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेकार दिखता है, मतलब लगता है कितना हम लोग मेकअप थोप लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने ज़्यादा कुछ मेकअप थोप लिया है, इसके लिए बस मेरा थोड़ा सा मेकअप यहाँ पे आई पे भी रहेगा। तो बस मैंने देख सकते हैं आप, मैं लगा चुकी हूँ अपना आई शेडो, बस मैंने हल्का सा लगाया है अपने साड़ी के मैच से। अब मैं यहाँ पे आईलाइनर थोड़ा सा लगाऊंगी। तो बस मैंने आई शेडो लगा लिया, देख सकते हैं फिंगर की मदद से ही कितना अच्छा हमारा लग के तैयार हो गया है। अब बस मैं यहाँ पे आईलाइनर थोड़ा सा लगाऊंगी, ज़्यादा वीग आईलाइनर मैं नहीं लगाऊंगी, बस अपने आईलिड पे थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा वीग आईलाइनर इस मेकअप में थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने चिक को मतलब रेड करूंगी, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा यहाँ पे ले लिया है और हल्का सा बस यहाँ पे मैं अपने चिक को रेड करूँगी, बस हो गया मेरा। और मैं यहाँ पे चिक बोन को थोड़ा सा हाईलाइट भी करूँगी, और जहाँ जहाँ मेरा थोड़ा हाईलाइट एरिया है थोड़ा थोड़ा, और वहाँ वहाँ मैं हाईलाइट कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अब हाईलाइट करूँगी। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पे चेकआउट कीजिएगा, मेरे सिलाई वाले वीडियो पे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही अच्छा, ये मेरा ब्लाउज लग रहा है, इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो उसको आप चेक करके प्लीज़ मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे तैयार होते हैं और इस डिज़ाइन का ब्लाउज़ पहनते हैं तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आया ये ब्लाउज़। मैं पहनी थी तो मेरे घर में सब लोग पूछ रहे थे मतलब कैसे बनाया, मेरा भी बना दो, तो ऐसे बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ चेक कीजिएगा और अपने लिए ज़रूर बनाइएगा ऐसा ब्लाउज, अगर आप लोग सिलाई करते हैं तो, अगर नहीं करते बाहर से सिलवाते हैं तो दिखा करके आप लोग ऐसा डिज़ाइन बनवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपने फेस को हाईलाइट कर ली हूँ, जहाँ जहाँ मेरा हाईलाइट एरिया है मुझे ज़रूरत है मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ, तो मैंने हाईलाइट कर लिया। अब आप आगे बढ़ेंगे मेकअप में, तो अगर आप लोग चाहें तो हाईलाइट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हाईलाइट उतना ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि किसी का फेस नेचुरल हाईलाइट रहता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आप लोग हाईलाइट नहीं करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और कर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आईब्रो को अपना फिल कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा आईब्रो को फिल कर लेना है, ज़्यादा नहीं, अब हमें मोटा चौड़ा नहीं बनाना है अपने आईब्रो को, बस हल्का सा अपने आईब्रो को फिल करना है। तो बस मैं देख लीजिए मेरा आईब्रो सेम दिख रहा है, मैंने आईब्रो अपना फिल कर लिया। अब मेरा जो थोड़ा बहुत मेकअप और बचा है वो भी मैं अपना कंप्लीट करूँगा। बराबर हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आईलाइनर लगाना है, मैंने आपको बताया था, आप लोगों को बताया था पहले कि मैं ज़्यादा वीक लाइनर नहीं लगाऊँगी, बस हल्का सा लाइन ड्रॉ करूँगी, ज़्यादा वीक लाइन आईलाइनर इस मेकअप पे थोड़ा भी नहीं जचेगा, थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर ली हूँ, ये मुझे बहुत ही पसंद है, वाटरप्रूफ तो ज़्यादा नहीं है मगर ज़्यादा टाइम तक मेरे आईज़ पे टिका रहता है, मतलब थोड़ा भी मुझे हैवी फील नहीं होता है कि मैंने कुछ लगा के रखा है अपने आईज़ पे। तो आप देख सकते हैं मैं बस हल्का सा आईलाइनर ड्रॉ करूँगी।
आईलाइनर तो ये ठीक ठाक है, मगर इसका जो अप्लीकेटर है वो बहुत ही छोटा आता है दोस्तों, तो ये मुझे बहुत ही परेशानी होता है इसके साथ। ये मुझे आईलाइनर बहुत ही अच्छा लगता है, मगर इसका अप्लीकेटर मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये अप्लीकेटर बहुत ही छोटा है और छोटे होने की वजह से मैं जैसा आईलाइनर चाहती हूँ वैसा नहीं ड्रॉ कर पाती हूँ। मगर इस वीडियो में मेरा देखिए कितना अच्छा लग गया एक ही बार में, तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस बार मेरा मतलब अच्छा लग गया। तो देखिए मेरा लग गया, अब मैं दूसरे आईज में भी सेम लगा लूँगी। तो आप लोग अगर चाहें तो विग लाइनर लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है उतना विग लाइनर, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा बस ड्रॉ कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट आईज में भी ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं मास्कारा लगाना मतलब लास्ट में लगाना चाहिए कभी भी, अगर आप लोग चाहें तो दो तीन बार इसको ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपकी आईज और भी मतलब खुली खुली और मोटी लगे। यहाँ पे मैंने काजल नहीं अप्लाई किया है, आप लोग चाहें तो काजल अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अधूरा काम कभी भी करती रहती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा लिया है, और मेरा यहाँ पे लिपस्टिक गिर रहा था इसके लिए मैंने ऐसा किया। तो प्लीज़ अब देखिए मैं यहाँ पे सिंदूर लगा लूँगी और बिंदी, फिर हमारा मेकअप तैयार है। तो आप लोग चाहें तो इसको फटाफट रेडी हो सकते हैं ऐसे में, और देखिए बस हो गया हमारा मेकअप रेडी। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसे फटाक से तैयार होना, तो मेरा वीडियो प्लीज़ देखिए पूरा, और इस तरह से ज़रूर रेडी होइए, ज़रूर मेरा वीडियो आप ट्राई कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये मेकअप कैसा लगा। मतलब आप लोग बताएंगे तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग को अच्छा लगता है मेरा वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, और मैं ज़रूर वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग मेरा ये ब्लाउज़ का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये वीडियो आप लोगों को। और अगला वीडियो आप लोग क्या देखना चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा, और मैं आप लोग के लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ वो भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ वो भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई भी मेरा वीडियो अब तक नहीं पहुँच पाएगा, और पहुँचेगा नहीं तो फिर आप लोग देखेंगे कैसे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मेरे वीडियो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।